सप्रेसर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि टीम सोल तब तक सर्वाइव करे। अभी भी 16 टीम्स है, अभी एलिमिनेट हो जाते हैं विदाउट फिनिश पॉइंट्स, तो उनको एक भी अंक यहां पर नहीं मिलने वाला है। 7G को स्पॉट कर चुके हैं स्काउट ओपी, उनके दोनों वेपन के ऊपर मैं यहां पर सप्रेसर देख सकता हूं, दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम सीइंग। लेकिन ऑन द अदर साइड मवी की बात करते हैं, ग्रेनेड टॉस करेंगे, कवर में आ जाएंगे वापस टीम सोल, यहां पर घेराव बना चुके हैं इस रेंज के आसपास। TSM भी यहां पर 8 बिट के अगेंस्ट में फाइट में जुटती हुई। देखिए टेबल टॉपर्स अगर अर्ली इन द मैच डाउन हो गए तो नीचे टीम्स के लिए काफी आसान हो जाएगा, बट यहां पर गॉड लाइक के प्लेयर्स और इस रॉक के ऊपर ग्रेनेड्स करने वाली है। नीचे वैक्सी ने भी अभी यहां पर अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर ली थी, वैक्सी अंदर से ही ग्रेनेड को कर रहा है, सामने नियो के ऊपर ये ग्रेनेड किया जाएगा, क्या कनेक्शन बन जाएगा? शायद नहीं, बट नियो ने जो ग्रेनेड करा है उसका क्या रिजल्ट आता है? दोनों को डिसेंट डैमेज मिला, बट कोई भी यहां पर नॉक नहीं कर पाएगा किसी को। यहां पर थोड़ा सा डैमेज दिया जा रहा है, नियो यहां पर अभी के लिए TSM के शैडो को डाउन कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली नियो, इट वाज एक्चुअली जोनाथन जो शैडो को नॉक एंड फिनिश कर जाते हैं। TSM अपना एक प्लेयर गवा चुकी है, TSM ने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डैमेज यहां पर 8 बिट को भी दिया है। मैं देखना चाहूंगा कि क्या सिनेरियोस 8 बिट के साथ वहां पर चल रहा है, बिकॉज़ वीरू को फिनिश ऑफ होते हुए हमने देख लिया, ओमेगा का नाम यहां पर फिनिश वीड में आ रहा है, ऑक्सू भी यहां पर डाउन हो चुकी है, एंड मेरी नजर में द टेबल टॉपर्स आर नो मोर इन द मैच। 7Cs के पास मौका है, 7Cs इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। गॉड लाइक की टीम जोनाथन आप देख सकते हैं लगातार वहां पर बचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वैक्सी के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है, सी गॉड निकालेंगे एक्वानॉक्स का नॉकआउट। एंड अगर बात करेंगे ये जो टू वे फाइट चल रहा है ना, गॉड लाइक को सिर्फ यहां पे ओआर के साथ नहीं, उनको एंगेज करना पड़ रहा है TSM के साथ-साथ सेल्सियस भी हाई ग्राउंड से यहां पे डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक टीम प्रेशराइज कर रहे हैं गॉड लाइक के पोजीशन को। क्लच गॉड एक चुका, इंटेंसिटी बहुत आई है क्योंकि वैक्सी के ऊपर एक ग्रेनेड आता है जो और इस रॉक को थोड़ा सा पीछे कर जाती है। इट्स नॉट अदर देन सी गॉड, और ये शायद फिनिश स्पीड में नाम अब किसी और का नहीं, क्लच गॉड का आता है। तो 5 फिनिश पॉइंट्स टीम गॉड लाइक के पास, डाउन द रेंज फंसी हुई ऑरेंज रॉक की टीम पर क्या गॉड लाइक की टीम भारी पड़ सकती है? क्या सी गॉड यहां पर अपने स्प्रेज और ग्रेनेड्स के चलते बैकफुट पे धकेल सकते हैं और इस ड्रॉप की टीम को? बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर ये मैच जा चुका है, जहां पे जोन के सेंटर से टीम सोल अग्रस कर रही है, कॉर्नर के एजेस क्लियर करते हुए गॉड लाइक की टीम हर उस हर्डल को क्लियर करती जा रही है जो उनके रास्ते में आ रहे हैं। वेल टीम सोल इज द ओनली टीम राइट नाउ जो कि सर्कल के अंदर बैठे हुए है, मवी को क्रेडिट्स यहां पे देना ही पड़ेगा। सर्कल प्रेडिक्शन की बात करेंगे, दिस इज द गाय यू विल बी लुकिंग आउट फॉर, लेकिन खतरा है, खतरा बहुत ज्यादा है, तीन डायरेक्शन से सैंडविच होने वाली है टीम। सो आई कैन सी सेल्सियस के सैगी क्रीपिंग इन स्लोली स्लोली, गॉड लाइक भी यहां पे एक नॉर्थ वेस्टर्न रोटेशन लेना चाह रहे हैं। ऑन द अदर साइड स्काईलाइज गेमिंग ऊपर से आ रहे हैं, ओआर के डेस्ट्रो एंगेज करते हैं सेल्सियस ईस्पोर्ट्स को, सेल्सियस दी राइजिंग अंडरडॉग टीम यहां पर हैमर डाउन हो रहे हैं। एक साइड में है रेवेनेंट, दूसरे साइड में यहां पे सोल रहने वाले हैं, ऑन द अदर साइड राइवलरी के साथ साथ यहां पर एंगेज करेंगे सोल के मवी। उतना क्योटिक मामला भी नहीं है, टीम सोल के पास एक बहुत बेहतर स्पॉट है, यहां से नॉक्स नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट ये मिड रेंज में जितनी भी रोटेशंस जा रही है इसमें आपकी स्प्रे की बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है और यहां से नॉक्स निकालने का मौका बहुत अच्छा है। एस्टेक्स के एक ही जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे वो भी डाउन हो चुके हैं, डाउन टू 12, हमारी एक और टीम यहां से एलिमिनेट हो चुकी है। अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर की बात करेंगे तो वहां पर आपको दो राइजिंग स्टार्स की टीम आपस में फाइट करती हुई मिल जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर आपको स्काईलाइट्स और गॉड लाइक का मुकाबला मिलेगा और स्काउट का यहां पर प्ले आता है। स्मोकी ऑटो दी अदर साइड यहां पर अभी के लिए मिड रेंज में थोड़ा सा परेशान करते हुए टेनेसिटी के प्लेयर्स को, बट गॉड लाइक के प्लेयर्स स्काईलाइट्स के साथ फाइट में इन्वॉल्व है। सो स्काउट यहां पर टेनेसिटी के प्लेयर्स एक्टिव बड़ा उससे कि सेंटर से जितने भी प्लेयर्स की रोटेशन जा रही है वहां से प्लेयर्स को डाउन करना कुछ खास मुश्किल है नहीं, एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है और यहां से जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीम से खरी उतरती हुई दिख रही है। हाई ग्राउंड प्लस ट्रेंच कवर और क्या चाहिए टीम सोल को, लगातार आप देख सकते हैं यहां पर डैमेज दे रहे टीम सोल हर एक डायरेक्शन में। जाइए आप लोग भी इस फाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं यहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इसी के साथ साथ जो भी स्टैंडिंग्स हैं वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर @skysportsgaming को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रीम को बिकॉज एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट, एंड ऑफ कोर्स यहां पे एंटरटेनमेंट जब है तब आपको कंपटीशन भी देखने का मौका मिलेगा, एंजॉय कीजिए एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओ गॉड लाइक की टीम स्काईलाइट्स के साथ पिनबॉल की मार्कोस गेमिंग को भी थोड़ा सा परेशान करती हुई है खिलाड़िया, वाओ नियो का एक और स्प्रे, सूर्य को भी नॉक कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है, 5 से सीधा 9 फिनिश पॉइंट्स हो सकते हैं गॉड लाइक के नाम। नियो यहां पर 2 प्लेस को डाउन कर चुके, पेड़ के पीछे एक खिलाड़ी बचा हुआ है, नियो पीछे से सरप्राइज अटैक का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान उस चीज का रखना पड़ेगा। नहीं है नियो को आइडिया कि पीछे से एरिया क्लियर नहीं है, बट अब शायद हो चुका बिकॉज फिनिशेस में इजाफा होता हमने देख लिया, 5 से हो गए 8, जोनाथन वहां पर रौनक को फिनिश ऑफ कर जाते हैं, एंटो यहां पर बचेंगे
और टेस्टो को रिवाइवल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होने वाला है। वेल, अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, अभी भी सेंटर सर्कल में बैठे हुए सारंग यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिश ऑफ हो जाते हैं एंड धीरे धीरे करके हर एक चीज यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है टीम सोल के फेवर में। फिर से जोन जाता है सोल के पास। आपको क्या लगता है दर्शकों, कौन सी टीम जीतने वाली है? इंस्टाग्राम पे जाइए, वोट कीजिए, पोलिंग सेक्शन यहाँ पे खोल दिए गए हैं। कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है? सोल मॉर्टल कमिंग अप इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिनिश फील्ड, एक 1v3 लेके जाने वाले हैं अपने ग्रेनेड के साथ साथ। जोन के सेंटर में मॉर्टल को सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बिठा दिया। स्काउट वहां पर अपनी डीएमआर के साथ क्लच स्क्वाड को डाउन करते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 14 फिनिशेस के साथ। मुझे वो सेगमेंट दोबारा से याद आ रहे हैं कि जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तब टीम सोल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सेमीफाइनल्स का वो आखिरी मैच और ग्रैंड फाइनल्स के छठे दिन का पहला मुकाबला, यहां से कुछ और ही फॉर्म में नजर आ रही है टीम सोल। एक अलग ही माइंडसेट के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगी और ये रिजल्ट्स अगर इनके फेवर में जाते हैं तो अभी तक के जितने सवाल आते कि क्या कर पाएगी, क्या टॉप 5 आएगी, सब सवालों पर पानी फेर दिया जाएगा, बिकॉज यहां से कुछ भी हो सकता है। जोनाथन पर यहां पर डैमेज दिया जा रहा है डीएमआर के चलते। ब्यूटी विद दैट डीएमआर, गोल्डन जोनाथन इज ऑन हिज नीज, वी हैव क्लच गॉड अप देयर। स्काउट हर उस जगह पे जहां पर ये मिनी 14 का आईडीएस खोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट ही खोज रहे हैं। 7 सोलो फिनिश पॉइंट्स इनके नाम। लुक एट द स्प्लिट ऑफ टीम सोल, कोई भी खिलाड़ी साथ में नहीं है। स्काउट एक एंगल पे है, मॉर्टल दूसरे एंगल पे है, मैं देख सकता हूं दूसरी तरफ में मवी खेल रहे हैं एंड रेगल टॉस से कलर की दुनिया में यहां पे स्पैम किया जा रहा है मिनी 14 के साथ साथ। सब प्रेशर का जो फायदा मिल रहा है रेगल टॉस यहां पे ऑस्टिन का भी फिनिश ऑफ लेके जाने वाले हैं। टॉप डॉग को भी किया जाता है फिनिश। स्काउट को यहां पे फाइनली करेंगे नॉकआउट, लेकिन कौन सी टीम है वो? इट्स गोइंग टू बी 7 सीज, अभी संभल के रहना पड़ेगा। और मवी का बैकअप आता है, जय दिक्कत में, और वीरू ना आए, कैसे हो सकता है ये मुमकिन? बसंती क्या गब्बर भी ना चाह देंगे, आज 18 फिनिशेस के साथ टीम सोल की डोमिनेशन। त्रिवेदी साहब को यहां पर मॉर्टल और स्काउट दोनों को रिवाइवल देना है। जोन के बाहर है, 72 मीटर तक जाना है। अगर रेगल टॉस मॉर्टल को रिवाइवल दे देते तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जोनाथन को फिनिश ऑफ कर यहां पर 19 फिनिशेस के साथ टीम सोल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बट गॉडलाइक के दो खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास जोन का एक बेहतर एरिया है, जो दो प्लेस नॉक है। अगर वो डाउन हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां से इक्वेशन थोड़ी सी बराबर ही हो चुकी है। प्रिंस यहां पर स्काउट को पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर जाते हैं। मॉडल जो नॉक है उन्हें रिवाइवल देना मुझे आसान नहीं लग रहा कैप्टन, एंड ये इक्वेशन कहीं ना कहीं 2v2v2 पर ही आ चुकी है। वेल, रेगल टॉस कोशिश तो कर रहे हैं मॉडल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। नियो यहां पे 7 सीज के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे, मतलब 7 सीज को भी जूझना पड़ेगा यहां पर दो टीम के साथ। टीम गॉडलाइक नियो को पोजीशन पता हो चुका है, स्पेंगर को किया जाएगा नॉकआउट एंड 7 सीज के आखिरी खिलाड़ी, आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी फाइनली, एंड क्लच गॉड को भी किया जाता है नॉकआउट। इट्स अ 1v1v3 फॉर टीम सोल। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सोल विनर विनर चिकन डिनर। माय आवी, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? Winners don't wait for chances, they make them. यहाँ पर टीम सोल के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो फ्लो की आप बात कर रहे थे, वो सामने पूरी तरीके से आ चुका है। वाओ, टीम गॉडलाइक यहां से डाउन हो चुकी है, डाउन टू 1, प्रिंस बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और तीन खिलाड़ी यहाँ पर टीम सोल के बच जाते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 21 फिनिशेस के साथ टीम सोल यहां पर अपने आज के पहले ही मैच पर चिकन डिनर लेके जाती है। प्रिंस के पास ज्यादा मौका नहीं है जोन के बाहर, और टीम सोल आई थिंक क्या बेहतर स्टार्ट यहां पर हो जाती है। टीम सोल कमिंग अप विद द स्वीट स्मेल ऑफ विक्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ ग्रैंड फाइनल्स डे 6। डे 6 की शुरुआत हो तो ऐसे हो। टीम सोल 21-22 फिनिशेस ओवरऑल, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस हम देख रहे हैं। 7 सीज डोमिनेट करते हुए नजर आए थे, बट व्हाट अ प्ले बाय टीम सोल सर्कल पे रोटेशन लेने के बाद, एंड इमेजिन द लक देयर। मैं यहां पे